हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राखी एंड यू आर वॉचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स, फर्स्ट थ्री टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग, रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग, एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है व्हेन रिमाइंडर बिकम्स जीरो। जब रिमाइंडर जीरो बनता है तो उस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है किसी नंबर की, वो क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/5, 3/5 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से ही तो हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। देखिए, 2 से हमने 1 को डिवाइड करना है, तो 1 तो 2 से छोटा है, पूरा भाग अभी नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, और अगर हम 0 लेंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी, डेसिमल की फॉर्म बनेगी। डेसिमल की फॉर्म बन गई, 0 लेते ही यहां पर क्या लग गया, डेसिमल लग गया। अब ये क्या बन गया, 10 बन गया, और 2 से 10 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में कहां पर आता है 10, 2 5 जा 10, तो क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पर, 5 आ गया, 5 2 जा 10। अब 10 में से 10 आप माइनस करिए, रिमाइंडर क्या बन रहा है, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो देखिए, इस केस में जब रिमाइंडर 0 बन गया तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप क्या बनी, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया? अब इसी तरीके से आप 5 से 2 को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 0.4 आंसर आएगा, और वो भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगी, टर्मिनेटिंग बनेगी। इसी तरीके से 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6, रिमाइंडर आएगा 0, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। तो ये तो थी फर्स्ट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन की, टर्मिनेटिंग। किसी की भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब हुई, जब रिमाइंडर 0 बना। नाउ सेकेंड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है, जब रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा, मीन्स व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी उस केस में। लुक एट द एग्जाम्पल 1/3, 1/7, 3/7 एंड सो ऑन। देखिए, 3 से 1 को डिवाइड करते हैं, 3 से 1 को जब डिवाइड करेंगे, 1 3 से छोटा है, वही काम करेंगे हम। हमने यहां पर 0 लगाई तो तभी हमारे पास क्या फॉर्म बनी, डेसिमल फॉर्म बनी। अब देखिए, 10 आ गए यहां पर, और 3 की टेबल में 3 3 जा क्या आएगा, 9। रिमाइंडर क्या बना, रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर यहां पर क्या बना है, 1 बना है। इसी तरीके से आप एक और अगर 0 ले लेंगे तो फिर से क्या आ गया, 3 आ गया। ये मैंने इसलिए 2 लेके दिखाए आपको कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 ना बनके 1 बन रहा है, वही सेम बन रहा है, और नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 1/3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रही है, 0.3 का बार। इस बार पर ध्यान दीजिए, इस बार का मतलब क्या है, बार बार 3 आ रहा है, बार बार आने वाले नंबर पर ही बार लगता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला अब इससे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग मीन्स रेकरिंग। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी रेशनल नंबर होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होनी चाहिए, या तो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होनी चाहिए, मीन्स ये वाली होनी चाहिए या फिर ये वाली होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, कम टू थर्ड काइंड। सो स्टूडेंट्स, कम टू थर्ड काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड काइंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का मतलब है व्हेन रिमाइंडर नाइदर बिकम्स जीरो नॉर रिपीटिंग। उस केस में क्या होगा, जब आप किसी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा और ना ही रिमाइंडर जो होगा वो रिपीट होगा, मींस उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्यों हो, ना तो वो टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीटिंग होगी। सो
देखिए जैसे कि एग्जांपल 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू भी हम लेते हैं, 7 से 22 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ना तो ये पूरा भाग होगा और ना ही रिपीट होगा, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, स्क्वेयर रूट 2, स्क्वेयर रूट 5, इसकी भी आप डिवीजन निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं. ये अल्टीमेटली चलते रहेंगे, डिवाइड इनकी होती रहेगी, रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा और ना ही रिपीट होगा. तो इस टाइप के नंबर जो होंगे रैशनल नंबर ना होकर इरेशनल नंबर्स बनेंगे. सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अब इन नंबर्स को आप क्या कहेंगे? ये जो नंबर्स एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये सभी के सभी इरेशनल नंबर्स हैं, ना कि रैशनल नंबर्स. तो आज हमने काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी समझ लिया. आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.